हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गली स्ट्रीट। अभी तो पूरा ही खुल रहा है 2 बजे तक, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए। मास्क छोड़ के आपका माल नहीं देगा, लेकिन अभी 2 बजे तक ही खुल रहा है। अब 6-7 बजे के अंदर चले जाइए, 2 बजे तक आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सिर्फ संडे को ये मार्केट सिर्फ संडे को ही लगता है, 2 बजे तक ही है। लेकिन कब आपका फिर बंद हो जाएगा या 10 बजे तक हो जाएगा मालूम नहीं है। अब तो कुछ दिन के अंदर गर्मी भी शुरू हो जाएगी। गर्मी में आपका कोई भी मछली आपका फ्रेश रहता है। अभी आप जो इच्छा आपका मछली खरीद दीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ 2-3 मछली छोड़ के, जैसे शार्क अभी भी मत खरीद दीजिए ज़्यादा, क्योंकि अभी जो ठंडा है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है वो मछली। फिर 15 दिन बाद ही वो मछली आप खरीद दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक तो हीटर आप लगा के रखे हैं, लेकिन हीटर आपका 15 दिन बाद ही आपका बंद कर देना होगा। लेकिन बंद भी आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से, अभी 28 में रखा है, 15 दिन बाद आप 26 में कीजिए। 26 में फिर आपका 15 दिन रखिए, उसके बाद आपका 24 में कीजिए, 24 में आपका 15 दिन रखिए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए। इससे आपका मछली का कोई नुकसान नहीं होगा। और जो अंदर का फिल्टर रहता है अभी भी आप चालू मत कीजिए, क्योंकि फिल्टर चालू रखने से आपका मछली मर सकती है। फिल्टर आप चालू कीजिए लगभग 1 महीना बाद से, और जो स्पॉन्ज फिल्टर है उसको हमेशा ही चालू रखिए, क्योंकि स्पॉन्ज फिल्टर से आपका कोई नुकसान तो नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही है। जो कचरा रहता है आपका, एमोनिया रहता है, वो आपका खींच लेता है। दोस्तों, हम हमेशा ही अपडेट देते रहते हैं गली स्ट्रीट के बारे में, आपके एक्वेरियम के बारे में, या फिर आपका कौन सा सीजन में कौन सा मछली रखते हैं, ये सब के बारे में हम हमेशा ही आपको बताते रहते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कोई कुछ अगर ज़रूरत भी पड़े तो आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं, हम हर एक कॉमेंट का ही जवाब देते हैं। दोस्तों, गली स्ट्रीट में अभी जो सीजन चल रहा है आपका, आज से आपका लगभग 1 महीना या 2 महीना तक मछली का रेट थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि नया जो मछली आपका है वो बाज़ार में आना शुरू हो गया है। आप लोग मछली थोड़ा रेट करके लीजिए, यानी बार्गेनिंग करके लीजिए, इससे आपको मछली भी सस्ता मिलेगी और अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा आपको। दोस्तों, आप लोग जो अपना एक्वेरियम पहले जिस तरह से साफ करते थे, अब उसी तरीके से कीजिए। ज़्यादा ठंडा रहने से आपका थोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन जब आपका आहिस्ता आहिस्ता गर्म शुरू होता है तो उसमें एक्वेरियम पहले जिस तरह से आप साफ़ कर रहे थे उसी तरीके से आपको साफ़ करना होगा। इससे आपकी मछली भी सुस्त रहेगी और एक्वेरियम भी क्लियर रहेगा। दोस्तों, हम एक ही वीडियो में आपको हर किस्म का अपडेट दे दिया है। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला वीडियो को भी देखिए, हम हर किस्म का ही वीडियो देते हैं आपको। कलर मछली के तो हम वीडियो दे ही रहे हैं, बाद में आपको जो खाने वाला मछली है उसका भी हम अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि वो मछली और ये मछली सब एक ही है, अलग कुछ नहीं है। जो कलर मछली होता है ये ज़्यादातर आपका मैन मेड होता है, यानी एक मछली का आपका DNA निकाला, दूसरा मछली में दे दिया, और मना नहीं करेंगे, यहीं तक है।